जय हिंद। मैं एडवोकेट सुनैना, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से। इस त्योहारों के सीजन मिठाई हम जरूर खरीदेंगे, पर कुछ बातों का ध्यान रखते हुए जो कि हमें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन द्वारा बताई गई है। पहला, कोई भी दुकानदार मिठाई के डिब्बे के साथ हमें मिठाई तोलकर नहीं दे सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उस पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप अपने इलाके के फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर को कंप्लेंट कर सकते हैं। या तो वो दुकानदार हमें मिठाई के डिब्बे के वेट के मुताबिक उतनी ही मिठाई दे, या फिर हमसे डिब्बे का रेट जो प्राइस होगा वो एक्स्ट्रा ले ले। उस डिब्बे पर बेस्ट बिफोर एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट मेंशन होना बहुत जरूरी है। बेस्ट बिफोर का मतलब एक्सपायरी डेट। वो मिठाई एक दिन चल सकती है, 2 दिन चल सकती है, 4 दिन चल सकती है, 7 दिन चल सकती है, या फिर 20 दिन चल सकती है। उस पर मेंशन होना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी मिठाई वाला या दुकानदार आपको एक्सपायरी डेट के बाद वाली मिठाई बेचता है तो उसके ऊपर 2,00,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। उस डिब्बे के ऊपर उसकी एग्जैक्ट कमोडिटी, मतलब कि उस डिब्बे में कौन सी मिठाई है, वो मेंशन होना बहुत जरूरी है। उसका नेट वेट मेंशन होना बहुत जरूरी है। उस मिठाई में वेज या नॉन वेज कौन सा कंटेंट यूज किया गया है उस डिब्बे के बाहर, उसका सिंबल मेंशन होना बहुत जरूरी है। जितनी भी हम मिठाई लेंगे उसके अनुसार ही डिब्बे का साइज होना बहुत जरूरी है। आइए जागरूक बने और समाज को जागरूक बनाएं। इस हो रहे गलत के खिलाफ आवाज बुलंद करें। जय हिंद।